ये वाइन का ग्लास जनरली हाफ क्यों फिल्ड किया हुआ रहता है? ये वाइन का ग्लास का डिजाइन बाकी के ग्लास के डिजाइन से अलग क्यों है? वाइन की एक बोतल बनाने के लिए कितनी ग्रेप्स लगती है? ओल्डेस्ट वाइन की बोतल कौन सी है और वाइन बनती कैसे है? ऐसे बहुत सारे अनयूजुअल फैक्ट्स वाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QE व्लॉग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि वीडियो की वॉच हिस्ट्री बताती है कि मोर देन 75% लोगों ने वीडियो तो देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वाइन एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो फर्मेंटेड ग्रेप्स में से बनती है। ये प्रोसेस में ईस्ट जो एक फर्मेंटिंग एजेंट है वो ग्रेप्स में प्रेजेंट सुगर को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। स्पेयर वाइन बॉटल जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वाइन बॉटल है, जो साल 1867 में एक रोमन सैनिक की कब्र में से मिली थी। ये बोतल 325 एडी से 350 एडी के बीच के समय की मानी जाती है, करीबन 1600 ईयर्स पहले की। स्पेयर वाइन बोतल आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, क्या आपने वाइन के ग्लास को पूरा ऊपर तक फिल्ड अप किया हुआ देखा है? नहीं, रेड वाइन के ग्लास को जनरली 1/3, व्हाइट वाइन के ग्लास को जनरली 1/2 एंड स्पार्कलिंग वाइन को 3/4 फिल किया जाता है। दोस्तों, रेड वाइन ग्लास में माउल की ओपन स्पेस में एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है वाइन के साथ एंड विदाउट स्पिलिंग प्रॉपर स्वर्लिंग होती है, जिससे वाइन की एरोमा एंड फ्लेवर एनहेंस होती है। ये रीजन की वजह से रेड वाइन के ग्लास को 1/3 फिल किया जाता है। वाइन के ग्लास को होल्ड करने के लिए बाउल एंड बेस के बीच में जो स्टेम है उसका यूज किया जाता है। डायरेक्ट बाउल को होल्ड करने से आपके पाम और फिंगर वाइन को गर्म कर सकते हैं, जिससे वाइन की फ्लेवर एंड एरोमा खराब हो सकती है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट रेड वाइन ग्लास के बारे में यह है कि ग्लास का बाउल साइज वाइडर होने से एयर केमिकली इंटरेक्ट होती है वाइन के साथ, जिससे वाइन का फ्लेवर्स एंड एरोमा इनहेंस होता है। टॉप 4 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा वाइन का प्रोडक्शन करती है वो है इटली, फ्रांस, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 4 मेन टाइप ऑफ द वाइन मार्केट में अवेलेबल है, वो है रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोज वाइन एंड स्पार्कलिंग वाइन। वाइन लवर्स एवरी ईयर 28 अगस्त को नेशनल रेड वाइन डे के तौर पे मनाते हैं। 150 ml रेड वाइन ग्लास के न्यूट्रिशनल फैक्ट है, फैट 0, कार्ब्स 3.8 ग्राम, कैलोरी 125 एंड सुगर 1 ग्राम। कुछ रिसर्च की माने तो रेड वाइन अगर सही मात्रा में ली जाए तो उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट भी है, जैसे रेड वाइन बूस्ट करता है हार्ट हेल्थ को, ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है। रेड वाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड रेज करता है, जिससे हार्ट से जुड़ी कोरोनरी डिजीज होने के चांसेस कम है। रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने से ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। रेड वाइन ओबेसिटी भी प्रिवेंट करता है। दोस्तों, वाइन मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है ग्रेप्स हार्वेस्टिंग, उसके बाद ग्रेप्स को क्रशर में क्रश करके फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन स्टेप्स में इस ग्रेप्स में प्रेजेंट सुगर को कन्वर्ट करती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। रेड वाइन के फर्मेंटेशन में ग्रेप जूसेस के साथ ग्रेप के स्किन को भी साथ में रखा जाता है, जिससे वाइन की फ्लेवर्स एंड एरोमा एनहेंस होता है। दोस्तों, उसके बाद मैकेनिकली प्रेस करके वाइन का फिल्ट्रेशन किया जाता है और वाइन को एजिंग के लिए ओक ड्रम में फिल किया जाता है। वाइन को ओक ड्रम में 12 टू 18 मंथ्स के लिए रखा जाता है। एजिंग के बाद वाइन की बॉटलिंग करके पैकिंग किया जाता है। होप आप लोग को रेड वाइन से जुड़े बहुत सारे अनयूजुअल फैक्ट्स देखने में मजा आया होगा। ऐसे बहुत सारे अनयूजुअल फैक्ट्स वाले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।